मैं साधिया मुक्तार एंड आई हैव कॉलीफाइड सीएसएस इन ईयर 2021 एंड uh, मेरी एलोकेशन जो है वो पाकिस्तान ऑडिट इंड अकाउंट सर्विसेज में हुई है अब मैंने क्लियर सीएसएस एस पार्ट मेरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो बहुत सारे लेवल्स पे आपकी जज हो होती है और प्रपेयर भी आप कर रहे होते हो साइड बाई साइड नंबर वन चीज़ जो है दैट द एफपीएससी पैनल जो आपके साथ इंगेज होता है ऑन योर फाइनल डे दे रिक्वायर नंबर वन के आपकी जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए स्पेशली अबाउट योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और वर्ल्ड अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स रिलेटेड बिकॉज आफ्टर ऑल आप सिविल सर्विसज़ का पार्ट बनने चाह रहे हो तो यू नीड टू नो अलॉट अबाउट वॉट इज़ गोइंग अराउंड यू and how you can use that information to make a change which you are thinking to bring when you join the the civil services number two जो चीज़ होती है वो आपकी personality होती है और आपकी verbal communication होती है आपकी body language होती है जो आप उस वक्त आपकी test थोड़ी होती है तो उसके लिए यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस आपने आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करना होता है नंबर टू जो है वो आपने ये चीज़ इंश्योर करनी होती है कि आपकी जो आइडियाज़ हैं वो ऑर्गेनाइज्ड और लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर आए ठीक है आप एक बात कह रहे हो स्टार्टिंग कह रहे हो बॉडी बॉडी बता रहे हैं एंड आपका कंक्लूजन आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपका ख़ुद का ओपिनियन क्या है उस पर्टिकुलर टॉपिक पर सो माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो है अगर मैं इसको सम करूँ तो इट वॉज द कलमिनेशन ऑफ माई ऑप्शनल सब्जेक्ट नॉलेज बी एस सी मेम्बर्स वे वेरी मच कीन एंड ईगर टू नो कि मेरी मेरी सब्जेक्ट में कितनी एक्सपर्टीज़ है एंड इन दैट रिगार्ड मैंने पैनल को बहुत अच्छे तरीके से इंगेज किया इन डिस्कशन सो मै माई इंटरव्यू वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी क्योंकि मैंने उस दिन भी अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें लर्न की एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड द परस्पेक्टिव ऑफ़ द पैनल कि वो किन किन चीज़ों में मुझे वैल्यू

रिगार्डिंग दिस यू नो दिस सर्विस एंड आई ऑल्सो ट्राई टू मेक श्योर कि मेरी जो भी एबिलिटीज़ हैं जो भी मेरी एजुकेशनल एक्सपीरियंस है मेरी एनालिटिकल स्किल्स हैं मैं इस सर्विस में ला कर एक पॉजिटिव चेंज लाऊँ जो मेरा एक ड्रीम है और मेरा एक गोल भी है अच्छा सर्टन uh, टिप्स जो काफ़ी मुझसे पूछी जाती हैं एंड आई ऑल्सो आर्टिकुलेट दैम टाइम एंड अगैन के नंबर वन जो है कैंडिडेट्स को मोटिवेटेड रहना चाहिए बिकॉज येस एंड अनडीनाइबली ये बहुत ही टेस्टिंग जर्नी है ये बहुत ही पेशेंस डिमांडिंग जर्नी है जिसमें हर लेवल पे आप डी मोटिवेट भी हो रहे होते हो आपकी एनर्जी लेवल्स भी डाउन हो रही होती हैं एंड देर सम डेज़ यू आर एट योर बेस्ट तो अपनी मोटिवेशन बरकरार रखें अल्लाह ताला से दुआ करें बिकॉज इवन दो ये बड़ा कम्पटिटिव एग्ज़ाम है बट इट डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट क्लियर इट यू कैन नॉट पास इट इसकी थ्री अटेम्प्ट होती हैं तीनों अटैम्प्ट में अपने आप को लेवरेज दें तीनों अटैम्प्ट में एक पॉसिबिलिटी रखें कि आई कैन मेक द बेस्ट ऑफ इट इन एनी ऑफ द अटैम्प्ट और नंबर थ्री ये है कि अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स को बिकॉज रिटन एग्जाम इज द की टू पास तो राइटिंग एबिलिटीज को पॉलिश करें प्रैक्टिस करें ग्रामर के साथ अपने आप को एसोसिएट करें एंड मेक श्योर कि आपके एक्सप्रेशनस है वो मिच्योर हों क्योंकि आप उस सर्विस का पार्ट बनने जा रहे हैं जो डिमांड कर रहा है ऐसा फ्रेश ब्लड एंड यंग ब्लड जो एक पॉजिटिव चेंज लाए बिकॉज वी ऑलवेज़ बिलीव दैट देर इज़ लाइट एट दी एंड ऑफ द टनल और चेंजेस होती हैं चीज़ें बेहतर होती हैं और हम ही इसको बेहतर बनाएंगे सो दिस इज़ द टिप दैट आई कैन गिव टू दस पेरेंट्स देखिए ऐसे जो है इंग्लिश ऐसे जो है एग्जामिनर ने अपनी काफ़ी एग्जामिनर रिपोर्ट्स भी एफ पी एस सी की वेबसाइट्स पर दी है जिसमें जो की फैक्टर्स हाईलाइट किए हैं वो नंबर वन ये है कि ऐसे थ्री चीज़ों पर वो जज कर रहे होते हैं प्रीडामेंटली थ्री थिंगस नंबर वन आपका स्ट्रक्चर नंबर टू आपकी ऑर्गेनाइजेशन एंड नंबर थ्री इस कोरेंस अब स्ट्रक्चर से मुराद एक आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है कि आपकी जो आपकी जो लैंग्वेज है वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो क्योंकि इंग्लिश का वो पेपर है वो उस सबसे पहले उसके ऊपर जज करेंगे आपको सेकेंडली आपका जो स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंट हो बोथ इन आउटलाइन एंड इन द प्रोज सेक्शन जो आप अपना पूरा ऐसा लिखते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है जो एग्जाम जो कैंडिडेट्स ओवर लुक कर देते हैं एक लॉजिकल सीक्वेंस में इनके पॉइंट्स नहीं आ रहे होते हैप हैजर्ड वे वे में वो डिस्क्राइब हो रहे होते हैं पैराग्राफ्स जो हैं वो स्ट्रक्चर के बुनियाद पे दे आर नॉट क्रिएटेड वेल एक टॉपिक सेंटेंस होता है फिर उसके बाद आपकी फ़र्दर एक्सप्लेनेशन होती है ऑफ़ दैट टॉपिक सेंटेंस फिर कोई एग्जांपल है कोड्स हैं या एनिकडोड्स हैं उसका इंक्लूजन होता है और कंक्लूडिंग लाइंस होती हैं तो ये स्ट्रक्चर ऑफ अ पैराग्राफ होता है वो कैंडिडेट्स uh, को ख्याल रखना चाहिए कि इनके पैराग्राफ्स जो हैं वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड हो नंबर थ्री जो है अगेन आई टॉक्ट अबाउट लैंग्वेज लैंग्वेज जो है आपकी वोकेबलरी जो है वो मच्योर होनी चाहिए ओवर एम्बिशस नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स टेक्निकल जार्गन्स का यूसेज नहीं होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर आपकी मच्योर इंग्लिश और आपकी एक डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बिकॉज इट इज़ एन एग्जाम फॉर सिविल सर्विसज़ तो वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि एग्जाम के एक कैंडिडेट ने अगर कोई टॉपिक चूज़ किया है तो नंबर वन ही नोज कि उसके टॉपिक में वो एग्ज़ामिनर उससे क्या चाह रहा है बताना नंबर टू वो किस तरीके से क्रिएटिवली उस टॉपिक को एक्सपैंड करता है एक्सप्लेन करता है और इफ़ेक्टिवली एंड भी कर देता है और नंबर थ्री वो ये देख रहे होते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस दैट द एग्जाम दैट द एस्पायरेंट हैज़ गिवन क्योंकि हमारा काम ही पॉलिसी मेकिंग है हमारा काम ही है टू ब्रिंग चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेशन जिसका हम पार्ट बन रहे हैं तो अगर एक्सपायरेंट समझ जाए कि वो ऐसे को उस पर्सपेक्टिव से सॉल्व करे उस पर्सपेक्टिव से अटैम्प्ट करे तो आई डोंट थिंक दैट ही कैन नॉट पास द पेपर देखिए इंग्लिश लैंग्वेज इज द स्किल दैट रिक्वायर्स फोर थिंग्स नंबर वन लिसनिंग रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग और यही स्किल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है सो आई वुड सजेस्ट नंबर वन दैट दिज कैंडिडेट्स शुड स्पीक स्टार्ट देयर स्पीकिंग प्रैक्टिस बाय फॉलोइंग थिंग्स नंबर वन दे शुड रीड आउट लाउड इफ़ दे आर गेटिंग रीडिंग अ न्यूज़ पेपर और अ बुक और सम एक्सर्प्ट फ्रॉम एनी वेयर ही और शी शुड स्टार्ट रीडिंग आउट लाउड वेन ही स्टार्ट रीडिंग आउट लाउड दैन हिज़ और हर एक्सप्रेशन इम्प्रूव number two he should he and she should start listening videos and news in english because listening also plays an important role in internalizing the language in your mind which ultimately comes out from your mouth तो लिसनिंग की अपनी स्किल्स को इंक्रीज़ करें एंड इंग्लिश के साथ इंग्लिश पॉडकास्ट हैं इंग्लिश म्यूजिक है इंग्लिश मूवीज़ है, है इसके साथ करें रीड आउट लाउड करें एंड नंबर थ्री द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट दे शुड हैव दैट डिटर्मिनेशन के वी विल डू इट सो इंग्लिश स्पीकिंग इज़ नो रॉकेट साइंस ओनली विद प्रैक्टिस एवरी कम्स नो आई बिलीव दैट ये बिल्कुल एक मिथ है गर्ल्स बहुत uh, ज़्यादा केपेबल हैं दे आर हैव अ लॉट ऑफ़ पोटेंशियल गर्ल्स में मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात लेडीज़ में मैं देखती हूँ मैं अपने बारे में भी ये कहती हूँ कि हमारे अंदर ऐसी कुछ क्वालिटीज़ हैं जो हमें आउट स्मार्ट करती हैं नंबर वन इज़ दैट वी हैव अ लॉट ऑफ़ पेशेंस नंबर टू हम बहुत रिजिलियंट हैं और नंबर थ्री इज़ दैट वी आर वेरी हार्ड वर्किंग सो वी बिलीव दैट इन मैं बिलीव करती हूँ कि इन तीन क्वालिटीज़ के की, की बुनियाद पे ही आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम जो है उसकी मोटिवेशन कैप्चर uh, करते हैं और इसको पास भी करते हैं तो गर्ल्स के लिए आई वुड अगेन से दैट दे शुड हैव फेथ इन इन देम सेल्व दे हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटीज टूवर्ड्स सी एस एस रिसोर्स एंड गाइडेंस जस्ट एज देर मेल काउंटर पार्ट्स हैव सो दे शुड नॉट हैव दैट फियर प्लस हमारे पास अलॉट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट हमारे पास यूट्यूब पे सब चीज़ें मौजूद होती हैं तो हमारे पास रिसोर्स का एक्सेस है इज़ जस्ट दैट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ कि हम ये काम कर लेंगे तो आप कर लेंगे देखिए इट इज़ सेट के आपके जो कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्कोरिंग होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स नॉन स्कोरिंग होते हैं तो आप या लो स्कोरिंग होते हैं तो आप इन्हें ना लें आई अगेन सी द इट एज अथ बिकॉज आई बिलीव के देखिए स्कोरिंग का जो रिलेशन होता है इज़ द लेवल ऑफ़ योर इंटरेस्ट नंबर वन और नंबर टू है कि कैंडिडेट एग्ज़ैमिनर की अप्रोच किस तरीके से अंडरस्टैंड uh, करता है सो so, मेरे जो सब्जेक्ट्स थे दे वर नॉट स्कोरिंग दे वर ऑल दीज सब्जेक्ट्स वर लो स्कोरिंग सब्जेक्ट येट मैंने उसमें सिक्सटी एंड सेवेंटीज मार्क्स आराम से गेन किए बिकॉज मैंने सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखा और नंबर टू मैंने ये देखा कि मैं एग्जामिनर मुझसे क्या डिमांड कर रहा है और मैं अपने आंसर को कितना क्रिएटिव और कितना एनालिटिकल प्रजेंटबल वे में अपने पेपर में इस चीज़ को लिखती हूँ तो ये चीज़ इन चीज़ों ने मुझे एज दिया याद रखें इट इज़ अ कम्पटिटिव एग्ज़ाम ये कोई नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है तो आप अपने आप को असेस करें उस लेवल की प्रिपरेशन तक ले जाएं कि आप बाकी कैंडिडेट से किस तरीके से स्टैंड आउट कर सकते हैं सो दिस वाज व्हाट आई डिड और अलहमदिल्ला आई प्रूव दैट नंबर वन अगेन आई वुड से गुड इंग्लिश राइटिंग स्किल्स लिखें ज़्यादा पढ़ें कम मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखें बिकॉज़ लिखेंगे जितना उतना आपकी टाइम मैनेजमेंट होगी और उतना ही आप कम वक्त में बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे नंबर टू अगेन मैं यही चीज़ कहूँगी कि अपनी तैयारी को फोकसड रखें स्मार्ट स्टडीज़ की तरफ जाए सिलेबस और कोर्स आउटलाइन में जो जो एरियाज़ पॉइंट आउट हैं उनको प्रिपेयर करें इनको नोट डाउन करें शॉर्ट नोट्स बनाएं लॉन्ग नोट्स बनाएं और अपने पास ऑर्गेनाइज मटेरियल रखें और नंबर थ्री ये है न्यूज़पेपर की डेली रीडिंग करें और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहें टिल दी लास्ट डे